हाय गाइस, तो फाइनली हमारा मनाली में सेकंड डे है और ये पीछे की वादियाँ बहुत प्यारी हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि बहुत बहुत ही प्यारा लोकेशन है। एंड हम यहाँ मॉल रोड पे हैं, मॉल रोड पे आए हुए हैं। गाइस, मॉल रोड दिन में कैसा दिखता है देखो, मनाली का मॉल रोड। वैसे मैं तो यहाँ सिर्फ घूमने ही आई हूँ, शॉपिंग करने का कुछ भी मन नहीं है, तो फिलहाल बस घूम ही रहे हैं। यहाँ एक चाय सुत्ता बार है तो हम वहाँ चाय पीने वाले हैं और मेरे सारे ही फ्रेंड्स अंदर बैठ चुके हैं। इन लोगों को मेरा वेट नहीं होता। गाइस, तो फाइनली अब हम यहाँ से हिडिंबा टेम्पल जा रहे हैं। हम मॉल रोड रुके हुए थे, अभी हम यहाँ से हिडिंबा टेम्पल जा रहे हैं। वहाँ जाके हम बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे, फोटोज क्लिक करेंगे, खाएंगे पियेंगे, पता नहीं अभी, तो वहाँ जाके हम आपको अपडेट देते हैं। तो गाइस, फाइनली हम हिडिंबा टेम्पल आए हुए हैं, हिडिंबा टेम्पल। तो मैंने तो यहाँ पे दर्शन भी कर लिया, मैं अंदर का वीडियो भी बनाने वाली थी, बट ऐसा हो गया कि वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो फिलहाल मैं बाहर का ही व्यू दिखा देती हूँ आपको। इस मंदिर के बारे में सुना है मैंने कि यहाँ पे मतलब जो भी मांगो वो पूरा हो जाता है। बहुत ही फेमस मंदिर है, मतलब बहुत ही फेमस टेम्पल है, मतलब मंदिर और टेम्पल तो एक ही होता है। तो ठीक है, बहुत ही अच्छी जगह है और बहुत ही पीसफुल प्लेस है। आप सब भी यहाँ आओ, अच्छा लगेगा आप सबको भी। और हमें हिडिंबा टेम्पल में घुसने से पहले प्रसाद चढ़ाने के लिए जो भी लेना होता है वो यहाँ से लेना होता है। बढ़िया सा भैया, हेरी भैया, बढ़िया सा वीडियो रिकॉर्ड लग रहा है, ले लू भाई, तो देख भी ले। कमेंट करके जरूर बताना कि ये मैं मनाली वाली ड्रेस में कैसी लग रही हूँ। तो फाइनली हम क्लब हाउस में जा रहे हैं। आ रही हूँ। आप लोग कभी भी ट्रिप पे जाओ कहीं ना, ऐसे इंसान को बिल्कुल मत ले जाना जिसको बहुत ज्यादा जल्दी हो हर एक चीज की, क्योंकि ऐसा इंसान अगर होगा ना तो आपका ट्रिप डेफिनेटली स्पॉइल हो जाएगा। हर जगह जल्दी होती है। कहाँ जाना है? क्राफ्ट गैलरी। गाइस, तो क्लब हाउस में एक वॉर्म वेयर के वो है, शॉप है, तो हम वो देख लेते हैं वहां से एक दो वॉर्म वेयर। गाइस, तो हमने क्लब हाउस का फर्स्ट फ्लोर देखा हुआ था, अब हम क्लब हाउस के सेकंड फ्लोर में एंट्री कर रहे हैं, तो देखते हैं यहाँ सेकंड फ्लोर पे और क्या क्या है। फिर मोमोज खाने आ गया दोनों यहाँ। कितने का दे रहे हैं? 140 के 36। ओहो, 20 के 36। बहुत महंगा मोमो है। बहुत महंगा है क्या? बहुत ही महंगा है। दिल्ली में 20 के 36। वाह यार, यहाँ पे बहुत मस्त मो हो रखा है यार, कितना सही लग रहा है ना। एकदम सही है, एकदम सही है, बर्फ है ना यार। ये बर्फ जो है हाथ में से उठे कैसे? सोलांग वैली जाके उठे। हाँ, अब हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं, क्या नाम था यार, भूल गई मैं। हाँ, क्लब हाउस जैसा कुछ नाम था। तो हम यहाँ आए हुए थे, यहाँ पे ज्यादा कुछ तो नहीं है, एक तो गेम्स है और हाँ बस एक तो गेम्स है और कपड़े वपड़े किसी को लेने हो, वॉर्म कपड़े, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो फाइनली अब हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं। एंड देन देखो ओल्ड मनाली में हम कहाँ कहाँ जाते हैं, तो बस ऐसे ही मिलते रहेंगे थोड़ी देर पे। गाइस, हो सकता है आप लोगों को नॉर्मल लगे, बट मुझे ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर व्यू है, तो मुझे तो मज़ा ही आ गया ये देख के।
मैं एक हाथ के ग्लव्स निकाल के वीडियो बना रही हूँ क्योंकि है ना फोन का टच काम नहीं कर रहा, तो मेरी तो लगी पड़ी है बहुत ही ज़्यादा। मतलब बहुत ठंड लग रही है यार, बट ये व्यू बहुत ऑसम है, इसको देखने के लिए मैं थोड़ी ठंड बर्दाश्त कर लूँगी। अभी तो हम ओल्ड मनाली में ही है, यहाँ पे हम कैफे वगैरह में आए हुए हैं तो थोड़ा सा इंजॉयमेंट चल रहा है। सारी वीडियोस नहीं दिखा सकती इंजॉयमेंट की, अदरवाइज घर वाले बहुत मारेंगे कि हाँ हम यहाँ बाहर क्या कर रहे हैं। तो ठीक है, फिलहाल बहुत मज़ा आ रहा है, बस हो सकता है आप सब ये देख के समझ जाओ कि यहाँ क्या होने वाला होगा। गाइस आज हमारा मनाली में तीसरा दिन है और हम मनाली में सोलांग वैली जा रहे हैं, तो अभी वहाँ जाकर थोड़ी सी वीडियोस वगैरह बनाएंगे। हम बिना ब्रेकफास्ट के निकले थे तो फाइनली यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए एक छोटा सा कैफे मिला है। इसका खाना बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। हमने जस्ट दो पराठे खा लिए और अभी एक और पराठा खाने का मन है मेरा क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो यहाँ के पराठे और चाय दोनों ही बहुत बढ़िया है, आप लोग यहाँ आओ तो ट्राई ज़रूर करना। सोलांग वैली के बीच में ही एक कैफ़े पड़ता है रास्ते में, तो अभी हम बाकी के पराठों का वेट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है यार, भाई पराठों की शक्ल पे मत जाओ, पराठे बहुत बढ़िया हैं। अरे पराठे की शक्ल ही बहुत बढ़िया है, किसी किसी को नहीं अच्छी लगती है यार, मस्त लेकिन पराठे का टेस्ट बहुत बढ़िया है। गाइस तो फाइनली हम सोलांग वैली पहुंच गए हैं और हम यहाँ से राइड्स के लिए जा रहे हैं और हमारे राइड्स में सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा एक चीज़ को लेकर आने वाला है और वो ये है कि हमारे ग्रुप की एक बहुत ही पूजा बहुत क्यूट लग रही है, रुको मैं दिखाती हूँ बैक कैमरे मारे दूर जगह पर से आप देखो पूजा कितनी क्यूट लग रही है यार, ऑसम मोटू नहीं दिखा देता हूँ कहाँ इन दोनों महाशय ने बोला हम बहुत स्ट्रांग है तो हम कोई भी क्लोथ नहीं लेंगे। फाइनली हम एडवेंचर्स के लिए राइड्स के लिए जा रहे हैं, बहुत ही मजा आने वाला है यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है। मैं कैसी लग रही हूँ अभी दिखाऊंगी मैं बैक कैमरा करके, मतलब मुझे कोई मेरी कोई वीडियो बनाएगा तो यहाँ पे बैटरी बहुत जल्दी खत्म होगी। हाँ जी आई नो, फाइनली मैंने एक राइड तो कंप्लीट कर ली जो कि इस गाड़ी पे थी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, बर्फ़ बहुत लो रखा है, मेडिसिन मुझे कहीं पर मिल नहीं रहा है तो बहुत ही ख़राब हालत है, पर फिर भी मैं सेकेंड राइड तो लूँगी। बहुत ठंड है बाबा, चलो अभी याक आ रही है। हाँ तो मेरी सेकेंड राइड होगी याक के साथ जो कि ये है, इसके साथ मैं सेकेंड राइड होगी, देखते हैं अभी तबीयत कब तक साथ देती है, बहुत ही बुरी हालत है मेरी तो। कैसी है तुम्हारी तबीयत अब? बहुत खराब है। क्यों? मेरा व्लॉग खराब हो गया। हैं? व्लॉग खराब हो रहा है यार। वो तो हो गया, बाहर बर्फ है और तुम अंदर बैठी हो, ऐसा क्यों? बहुत दर्द हो रहा है बॉडी में। गुड नाइट। तो गाइस कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो कल दो राइड में नहीं ले पाई थी, पूरी ट्रिप की मां बहन हो गई थी। आज हम दोबारा जा रहे हैं। हाँ। सामने आज पहले से ज्यादा बर्फ मुझे लगी, मुझे भी ऐसा लग रहा है। मतलब 4 है? हाँ आज हमारा डे 4 है। मतलब 4 नहीं है, 3 है? नहीं 4 है। अरे नहीं, अरे हम आए थे किस तारीख को मनाली में? पहले दिन हम सिर्फ रात में मॉल रोड गए। हाँ तो वो पहले दिन गया ना। सेकंड दिन हम कहाँ गए? सेकंड डे हम हडिम्बा गए। हाँ थर्ड डे हम रोहतांग में, तो आज 4th डे, आज हमारा 4th डे है, तो देखो आज एक्सपीरियंस कैसा।
खुशी से दादा पेंचर भारी है तू। गाइस ये दोनों की वीडियो देखो यहाँ। अरे आएगा नहीं, मैं उसको उठा के चलूंगा। अबे तू नीचे झुकना थोड़ा।